हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वापस आ चुका हूँ फिर से अपनी वीडियो लेकर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, जो अपना आरपी लोगो है उसको आप जो है कैसे चेंज कर सकते हो। जैसे कि उस पर लाइन आता है 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से जो उसका लाइन है और उसका जो साइनिंग है वो आप जो कैसे ला सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए। अगर आपको नहीं पता हमारे चैनल पर चल रहा है रॉयल पास गिवअवे, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अभी आपको जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद जो बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो पे आपको एक कमेंट करना है। कमेंट के साथ में अपना गेम आईडी टाइप कर देना है, तो जब भी जो विनर अनाउंस होगा तो उसमें आपका जो नाम आएगा, तो मैं आपको जो रॉयल पास जो गिफ्ट करने वाला हूँ। तो मैं किन्हीं दो बंदों को जो रॉयल पास गिफ्ट करने वाला हूँ, तो जैसे ही हमारा 5K सब्सक्राइबर जो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं किन्हीं दो बंदों को जो रॉयल पास देने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, अभी बात कर लेते हैं अपना जो आरपी लोगो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आरपी रैंकिंग में, तो इनका जो लोगो है किस तरीके से जो साइन कर रहा है, 1 2 3 इस तरीके से जो आपको अभी देखने को मिलेगा। आपका कितना जो अभी करंट रीजन, मतलब जो बोल सकते हो अभी आपका जो फिलहाल में कितना है 1 2 3 4, ये आपने आरपी ले रखा है या नहीं लिया यहाँ पे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, मेरा यहाँ पे जो 5 है और यहाँ पे इसका जो एक लाइन दिखाई दे रहा है जिसमें आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, 240 में से देख सकते हो मेरा 196 यहाँ पे जो पॉइंट है वो यहाँ पे हुआ है अभी। तो इस तरीके से आपका अभी जो पॉइंट है वो यहाँ पे 100 भी हो सकता है, 120 150 इस तरीके से भी हो सकता है यहाँ पे। तो अभी आपको इसको इंक्रीज कैसे करना है, ये बहुत सारे बंदों को जो है डाउट है यहाँ पे। तो अभी बहुत सारे बंदों का जो कम टायर रहता है, मतलब जो इस तरीके से बोल सकते हैं जैसे अपना जो रैंकिंग का टायर रहता है उसी टाइप से ये होने वाला है। तो इसका भी जो एक लाइन दिया जाता है यहाँ पे, इसका जो थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके यहाँ पे जो इंक्रीज होता है, जिससे आपका जो आरपी लोगो है वो साइन करने लगता है। और इसका जो लाइन है वो 1 के बाद 2 हो जाता है, 2 के बाद जो है 3 हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो बढ़ा सकते हो यहाँ पे। तो अभी मैं आपको जो है दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो पिछले सीजन से जो है रॉयल पास लेता हुआ आ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, आपको एक हेलमेट वाला ऑप्शन भी दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको आप जो कंटिन्यू अगर रॉयल पास लेते हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो 80% तक आइटम आप जो है रिडीम कर लेते हो रॉयल पास का, तो यहाँ पे आपको ये वाला जो है लोगो यहाँ पे दिखाई देने लगेगा जो हेलमेट वाला है। तो यहाँ पे जो पहला इसका जो रूल्स है यहाँ पे, इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गेन आरपी पॉइंट द टू कीप अनलॉकिंग न्यू आरपी मेडल स्टाइल। तो यानी मतलब जैसे ही आप जो रॉयल पास लेते हो तो अपना जो आरपी का लोगो रहता है, जैसे कि आपको बहुत सारे बंदों का देखा होगा अभी यहाँ पे जो व्हाइट रहता है, तो उस तरीके से जैसे ही आप जो रॉयल पास लेते हो तो आपका जो लोगो का स्टाइल है यहाँ पे जो कलर है वो यहाँ पे जो है चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आगे लिखा हुआ है द हाइएस्ट रैंक इज करेंटली रैंक 6, यानी मतलब जो लोगों का रैंक है वो यहाँ पे जो 6 तक अभी जो बताया जा रहा है यहाँ पे, जैसे कि किसी का 1 है 2 है 3 4 5 6 तक है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी जो सेकंड वाले में लिखा हुआ है परचेज द इलाइट पास टू गेट 5 आरपी पॉइंट्स। तो चलिए गाइस, अभी जो 5 आरपी पॉइंट आपको मिलेगा इलाइट पास वाला, तो ये वो वाला जो रॉयल पास होने वाला है, जैसे कि जो बंदा 360 यूसी वाला जो रॉयल पास लेता है तो उसको जो है 5 आरपी पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। अगर कोई बंदा उसी में जो मतलब 60 यूसी का वाउचर यूज़ कर लेता तो उसको जो है 300 यूसी का जो रॉयल पास जो है पड़ जाता है यहाँ पे। तो चलिए गाइस, अभी मैं आपको जो बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारा बंदा जो कंफ्यूजन में आने वाला है, क्योंकि रॉयल पास तो जो रहता ही है यहाँ पे, बट इलाइट और इलाइट पास जो अलग अलग रहता है यहाँ पे। तो जो इलाइट पास है वो मिलता है अपने को 360 यूसी का, अगर वाउचर यूज़ करते हो तो 300 यूसी का मिल जाएगा। उसके बाद चलिए गाइस, अभी आपको जो ले जा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ परचेज द इलाइट पास प्लस 2 गेट 15 आरपी पॉइंट्स गेट। तो यहाँ पे देख सकते हो मतलब जो इलाइट पास जो लेता है यहाँ पे उसको जो है यहाँ पे 15 पॉइंट मिलने वाला है। तो गाइस, अगर आपने यहाँ पे जो नॉर्मल वाला रॉयल पास है जो 300 यूसी वाला, अगर आपने वो यहाँ पे परचेस कर रखा है, तो इसके बाद भी आप जो इलाइट पास है यहाँ से जो है प्लस कर सकते हो, मतलब जो परचेस कर सकते हो यहाँ पे। तो देख लीजिए, अभी जो 600 यूसी का यहाँ पे मुझे जो इलाइट पास है यहाँ पे मैं जो अपग्रेड कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा जो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा पॉइंट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, मैं उसी में जो खुश हूँ यहाँ पे। अगर आपको जल्दी से जो है इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ पे जो 600 यूसी और जो इन्वेस्ट करके ले सकते हो। अगर आपने जो कोई भी रॉयल पास नहीं लिया तो आपको ये वाला जो रॉयल पास है जो 600 यूसी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इस जगह पे आपको 960 यूसी दिखाई देगा। अगर आपने जो वाउचर यूज़ किया तो आपको जो 900 यूसी यहाँ पे जो दिखाई दे जाएगा, तो 900 यूसी में आप जो परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, आगे लिखा हुआ है गेट 5 आरपी एक्स्ट्रा पॉइंट, यानी मतलब जो 5 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा मेकिंग कंसिक्यूटिव परचेस, यानी मतलब जो लगातार परचेस करते रहोगे तो आपको जो 5 आरपी पॉइंट जो एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पे। और आगे लिखा हुआ है एंड गेट 2 पॉइंट्स फॉर एवरी 10 रॉयल पास रैंक गेन, मतलब जो 10 रॉयल पास का जो रैंक है यहाँ पे
जैसे आपने 10 RP इंक्रीज कर लिया तो आपको जो है 2 RP पॉइंट यहाँ पे और मिलेगा यहाँ पे, जिससे आपका जो लाइन है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरा अभी जो है 240 में से जो 196 है यहाँ पे, तो ये अभी मैं जो इंक्रीज करने वाला हूँ यहाँ पे 196 से, देखते हैं अभी जो 198 होता है यहाँ पे या नहीं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और जो वीक वन का जो इलाइट वाला मिशन है इसको मैं जो स्किप कर देता हूँ यहाँ पे। तो देख लीजिए 2 पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा होगा जो स्क्रीन पे यहाँ पे। तो चलिए गाइस अभी मैं इसको जो है कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और आपको जो है ले जा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हो 240 में से मेरा जो 198 यहाँ पे हो गया है, यानी 2 पॉइंट मेरा यहाँ पे जो बढ़ गया है। तो जैसे आप जो 10 RP जो इंक्रीज कर लोगे तो आपको जो 2 RP पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे आप जो अपना लाइन का जो इंक्रीज है वो जल्दी से जल्दी कर सकते हो। उसके बाद जो तीसरा वाला लाइन है इसमें देख लीजिए लिखा हुआ परचेज द करंट रॉयल पास टू एक्टिवेट मेडल स्टाइल, द मेडल विल नॉट बी एक्टिवेटेड इट हैज नॉट हैज बीन परचेज। तो इस तरीके से ये बता रहा है जैसे आप जो एक्टिवेट करना चाहते हो इसको तो आपको जो है रॉयल पास लेना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप जो है फ्री वाला रॉयल पास लेते हो तो आपका जो लोगो है वो यहाँ पे जो वाइट रहने वाला है और थोड़ा थोड़ा करके जो इंक्रीज होने वाला है। तो ये मैंने आपको बता दिया, जैसे आप जो रॉयल पास ले लोगे तो इसका जो कलर भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका जो साइन भी है वो भी करने लगेगा जैसे 3 सीजन आप जो है ले लोगे यहाँ पे रॉयल पास। तो यहाँ पे देख लीजिए और उसके बाद जो लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे प्लेयर RP रैंक विल ड्रॉप बाय 1 रैंक और यहाँ पे क्या लिखा है वेन एवर ए न्यू RP स्टार्ट परचेज द करंट रॉयल पास विल रिकवर ऑल RP पॉइंट्स। तो ये बता रहा है यहाँ पे जैसे आप जो नया रॉयल पास लेते हो स्टार्टिंग में तो आपको जो यहाँ पे जो पॉइंट है वो यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप जो कंटिन्यू मिशन वगैरह कंप्लीट करोगे तो आपका जो जितना भी सारा पॉइंट है यहाँ पे जो रिकवर हो जाएगा, तो जिससे आपका जो RP लोगों का लाइनिंग है वो यहाँ पे जो इंक्रीज हो जाएगा। और इसके आगे जो लिखा हुआ है द RP पॉइंट्स विल बी परमानेंटली लॉस्ट इफ यू परचेज द लेटर रॉयल पास। तो यही बता रहा है अगर आपने जो 1 सीजन रॉयल पास ले लिया, दूसरा सीजन भी जो कंटिन्यू ले लिया, उसके बाद जो तीसरा सीजन जैसे ही आया तो आपने जो रॉयल पास नहीं लिया तो आपका यहाँ पे जो RP पॉइंट है वो यहाँ पे जो लॉस्ट हो जाएगा, जिससे आपको जो बाद में रिकवर करने के लिए थोड़ा बहुत और टाइम जो लग जाएगा। तो अगर आप जो है ये लोगों का जो लाइनिंग है वो इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको जो कंटिन्यू रॉयल पास लेना पड़ेगा अगर आप जो 2 सीजन लेते हो। उसके बाद जो तीसरा सीजन या चौथा सीजन जो स्किप कर देते हो कंटिन्यू तो आपका जो है यहाँ पे RP लोगों का पॉइंट है वो यहाँ पे थोड़ा डाउन हो जाएगा यहाँ पे, जिससे आपका जो लाइनिंग है वो यहाँ पे जो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने आपको जो बता दिया यहाँ पे आपको जो कंटिन्यू रॉयल पास लेना है यहाँ पे, जिससे आपका जो RP लोगों का लाइनिंग है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो देख लीजिए मेरा अभी 198 हो गया है यहाँ पे। तो देख लीजिए अभी मैंने आपको ये दिखा दिया यहाँ पे किस तरीके से इंक्रीज होता है। और यहाँ पे जैसे मिशन में आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो जो पहला बंदा जो मतलब पहला सीजन रॉयल पास ले रहा है, अगर अभी तक उसने जो रॉयल पास नहीं लिया तो आपको यहाँ पे इस टाइप का लोगो दिखाई देगा। और यहाँ पे जो इजर्ड लाइसेंस है वो 150 UC में जो परचेस कर सकता है वो यहाँ पे, जिससे 1 वीक का आगे का मिशन आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो RP कार्ड वगैरह भी जो मिल जाता है। उसके बाद 2 सीजन ले लेता है कंटिन्यू तो यहाँ पे जो इसका लोगो का थोड़ा साइनिंग है जो पंख टाइप का जो निकल आएगा यहाँ पे। उसके बाद जो तीसरा वाला है यहाँ पे इसमें आपको जो इजर्ड लाइसेंस बिल्कुल जो फ्री में मिल जाएगा और इस पर जो साइनिंग भी करने लगेगा लोगो आपका यहाँ पे जो 3 सीजन अगर कंटिन्यू रॉयल पास लेते हो तो यहाँ पे। तो देख लीजिए मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पे। और देख लीजिए काफ़ी सारी सीजन में मैंने जो रॉयल पास ले रखा है तो काफ़ी टाइम बार मेरा जो हेलमेट टाइप का ये आइकन आपको जो दिखाई दे रहा हुआ यहाँ पे, तो ये मैंने आपको बता दिया। और बहुत सारे बंदों का भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ लोगो जो है किस टाइप का दिखता है यहाँ पे। तो देख लीजिए किसी बंदे का जो 1 दिख रहा है यहाँ पे व्हाइट वाला, किसी बंदे का जो 2 दिख रहा है यहाँ पे। तो इन बंदों में काफ़ी ज़्यादा खेलने के बाद जो RP मिशन करने के बाद जो 1 से 2 लाइनिंग तक जो पहुँचे हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए मैंने आपको ये बता दिया कैसे इंक्रीज करना है आपको जो लोगों का लाइनिंग है यहाँ पे। तो बस भाई लोग आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।